दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज फूड इंडिया में। तो दोस्तों ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के इस मौसम में एक नायाब डिश आपके सामने पेश कर रहे हैं, बटेर करी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये हमने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, ये करीब 50 ग्राम सरसों का तेल है। तो लीजिए तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले ये हम 2 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च डाल देंगे, और इसमें कुछ ये खड़े मसाले, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, जावित्री, ये सब इसको डाल के इसको चटकाएंगे। मसाले हमारे चटक गए हैं, तो अब इसमें डालेंगे हम प्याज, इसको भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा हम खड़ा लहसुन और थोड़ा सा खड़ा अदरक भी डाल देंगे और उसी को साथ में भूनेंगे। तो देखिए हमारा प्याज लगभग भुन चुका है। तो अब यहाँ पे हम 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे, पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, भुनेंगे प्याज और सारे मसालों के साथ। परंपरा के हिसाब से एक खड़ा लहसुन भी इसमें डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम चला देंगे। अब इसमें हम बटेर के पीसेस डालेंगे। तो ये देखिए, ये ब्रेस्ट और विंग्स, ये थाई, गर्दन, इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे। ये भुन गया है, तो अब इसमें आधा प्याज हमने पहले डाला था और आधा प्याज हम बाद में डालेंगे, क्योंकि या तो बटेर का मीट जो होता है वो बहुत टाइट होता है, तो या तो इसको आप पानी में गलाइए या फिर प्याज में गलाइए। तो पानी में अगर गलाएंगे, अगर पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसको पानी में गलाइए, अगर मोटी ग्रेवी चाहिए तो आप इसको प्याज में गलाइए, जिससे लटपट ग्रेवी आपको मिलेगी। तो अब हम इसको चला देंगे। और इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे इसको। अब यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। ये हमने जो है मिक्सर में अच्छे से इसको पीसा है, ये खड़े मसाले हैं। अब इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा मसाला भुन रहा है। तो इसको हमने चला दिया है। अब इसको हम ढक देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा, ये देखिए ये लहसुन भी हमारा कच्चा है, और अभी इसको 20 से 25 मिनट तक इसको ढकेंगे और थोड़ा सा खोल के इसको चलाएंगे भी, क्योंकि नीचे हमारा लगे ना, वो भी चीज़ देखना है। ये देखिए मसाला हमारा लगभग ये भुन चुका है। अब इसमें हम
थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि मसाला हमारा काफ़ी सूख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए, जिससे कि हमारा जो भी कच्चापन रह जाए तो पानी के साथ पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारा ये हमारा बन के पूरी तरीके से तैयार है। आप देखिए, बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार ये हमारा बटेर करी लटपटा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।